हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टॉक फिनिक्स में आपका स्वागत है। आज का मार्केट एनालिसिस देखेंगे। इस वीडियो को पॉज करके डिस्क्लेमर पढ़िए। आज का इंडेक्स एनालिसिस देखेंगे। आज इंडेक्स फ्लैट में क्लोज हुआ, फिर भी आज एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 17,436.50। लेकिन आज थोड़ा नेगेटिव बायस में क्लोज हुआ, दैट इज 0.1% नीचे क्लोज हुआ 17,362.10 पर, और सेंसेक्स 0.03% नीचे क्लोज हुआ 58,279.48 पर। जैसे कि मैं पहले बोला था, इंडेक्स दोनों इंडेक्सेस आफ्टरनून सेशन में अराउंड 1:30 PM पर हाई ब्रेक किया और नया लाइफ टाइम हाई बना के नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ। आज का निफ्टी का चार्ट एनालिसिस देखे तो वन डे टाइम फ्रेम पर, जो हमारा पैरेलल चैनल है उसी पर निफ्टी चल रहा है और फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनाया। अगर आज का हाई ब्रेक किया तो फिर से लाइफ टाइम हाई कल परसों में देख सकते हैं, लेकिन एग्जॉस्टेड लग रहा है निफ्टी, देखेंगे क्या होगा। आज का मार्केट मूवर्स देखे तो टॉप गेनर से वोडाफोन आइडिया, जो 15% ऊपर गया और क्लोज हुआ 8.3 पर। उसके बाद IRCTC जो कल भी चला था और आज भी चला है, आज 10% ऊपर क्लोज हुआ 3295 पर। उसके बाद इंडस टावर्स 9% ऊपर क्लोज हुआ 244 पर। वोल्टास जो 5% ऊपर चढ़ के 1182 पर क्लोज हुआ। और अंत में LIC हाउसिंग फिनेंस 5% ऊपर चढ़ के 425 पर क्लोज हुआ। आज का टॉप लूजर्स देखे तो नैलको कल, जो कल का टॉप गेनर में था, आज टॉप लूजर में आया है, 3.2% नीचे गया है और 96 पर क्लोज हुआ है। और DLF 2.75% नीचे गया है और 336 पर क्लोज हुआ है। उसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, जो 2.5% नीचे गया और क्लोज हुआ 163.95 पर। उसके बाद कैनरा बैंक, जो 2.5% नीचे गया और क्लोज हुआ 156.1 पर। और अंत में अपोलो हॉस्पिटल्स 2.6% नीचे जाके 4,865 पर क्लोज हुआ है। और आज का सेक्टरल परफॉर्मेंस देखे तो टॉप गेनर से निफ्टी FMCG, जो 0.3% ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो 0.15% ऊपर क्लोज हुआ है। और अंत में निफ्टी मीडिया, जो 0.1% ऊपर क्लोज हुआ है। और आज का टॉप लूजर्स देखे तो सेक्टरल इंडाइसेस में निफ्टी PSU बैंक 1.25% नीचे क्लोज हुआ है, फॉलोड बाय निफ्टी IT 1.3% नीचे क्लोज हुआ है और निफ्टी रियल्टी 2.3% नीचे क्लोज हुआ है। और आज का स्टॉक इन न्यूज देखे तो VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ये स्टॉक आज नया लाइफ टाइम या 52 वीक हाई बनाया 2899। रीजन ये था कि VST टिलर ट्रैक्टर्स ETG ग्रुप, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप के साथ एक अग्रीमेंट एंटर किया है, जहां वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स, पावर रीपर्स, डीजल इंजिन्स इन साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में। जो कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोस्टवाना, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड एंड जाम्बिया। इसी की वजह से आज 52 वीक हाई बनाया 2899 पर और क्लोज हुआ 5% ऊपर और पॉइंट से 2773। और कॉर्पोरेट इवेंट्स देखे तो आज इंदो शेयर्स का एक्स डिविडेंड डेट है। पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी लिमिटेड, और इनका फाइनल डिविडेंड है 12 रुपी पर शेयर। और दूसरा है अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट्स लिमिटेड, और इनका फाइनल डिविडेंड है 5 रुपी पर शेयर। और 52 वीक हाई स्टॉक्स देखे तो अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो 14% ऊपर क्लोज हुआ है 851.80 पर। उसके बाद नियोजन केमिकल्स लिमिटेड 12% ऊपर क्लोज हुआ है 1085.95 पर। और थर्ड पोजीशन भारत गैस 11.5% ऊपर क्लोज हुआ है 152 पर। इन तीनों में अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का इनडेप्थ एनालिसिस देखेंगे। एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में चल रहा था, इसी चैनल में चल रहा था। इस चैनल के ब्रेकआउट की वजह से आज एक 52 वीक हाई बनाया। अगर 822 लेवल सस्टेन हुआ तो हम मे बी इन कमिंग डेज में
909 लेवल्स और 1010 लेवल्स देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट देके आगे बढ़ सकता है ये शेयर। अच्छा वॉल्यूम भी था आज। अगर 52 वीक लो स्टॉक्स देखे तो बहुत दिन के बाद एक स्टॉक 52 वीक लो में आया है, जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये 10% नीचे जाके 137.75 पर क्लोज हुआ है। उज्जीवन बैंक ऑलमोस्ट 250 लेवल से एक डेढ़ महीने में ऑलमोस्ट 137 लेवल पर आ गया, और 52 वीक लो भी ब्रेक किया, और सपोर्ट जोन्स 124 पर दिखा रहा है, क्योंकि प्रीवियस चार्ट एनालिसिस या प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा की एनालिसिस पर 124 लेवल्स पर इसका सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं किया तो ये स्टॉक गिर सकता है, और ज़्यादा गिर सकता है। सावधान रखिए, 124 लेवल्स तक आके थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, नहीं तो स्टॉक का मेल्ट होना या नीचे जाना बहुत ज़्यादा चांसेस है नीचे जाने का। आज के लिए इतना ही। आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं, हम टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। थैंक यू, लेट्स जॉइन हैंड्स टू लर्न टू स्विम इन द ओशन ऑफ स्टॉक मार्केट।